हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देख लेते हैं हैटसन एग्रो प्रोडक्ट्स के स्टॉक को। स्टॉक की करंट प्राइस चल रही है 1258 और आज दिन में स्टॉक में लगभग 10% की शानदार तेजी के साथ में ओपनिंग देखने को मिली। 52 वीक हाई पे जो इसने 1400 पे हाई लगाया, हाई लगाने के बाद आप देख सकते हैं एक बड़ी रेड कैंडल बनते हुए दिखाई दे रही है। क्या होगी आगे की रणनीति, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले इनके बिजनेस की बात करेंगे तो इनका बिजनेस जो है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड आइसक्रीम्स वगैरह भी है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक जोन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जोन है रेजिस्टेंस का, ठीक है। जब जब स्टॉक की प्राइस यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रही थी, यहीं से हमें इसमें रिजेक्शन देखने को मिल रहे थे। फाइनली आप देख सकते हो आज के दिन में गैप अप ओपनिंग के साथ ही ब्रेकआउट इसके अंदर हमें देखने को मिला, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो अभी फिलहाल तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन इस जोन के तो बाहर निकल चुका है। अभी ये जो है 1190 यानी कि 1200 से लेके ऊपर 1230 का जो रेजिस्टेंस जोन था, अब ये सपोर्ट बन जाएगा। अब आगे जो है यहाँ पे स्टॉक आने के बाद यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर की ओर फर्दर इसमें तेजी कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर तेजी भी होगी तो कहाँ तक देखने को मिलेगी, क्योंकि पहले भी स्टॉक ऊपर के लेवल पर जा चुका है। 1460 से लेके 1500 तक के लेवल इसमें हमें देखने को मिल सकते हैं, और अगर उसको भी ऊपर की ओर ब्रेकआउट करता है तो फर्दर और भी काफ़ी अच्छी तेजी हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं एमएससीडी इंडिकेटर की। तो एमएससीडी इंडिकेटर में भी बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिला, जीरो लाइन के ऊपर भी ग्रीन बार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि मजबूती का सिग्नल दे रहे हैं। तो इसके अंदर जो है हमें यहाँ से बाउंस देखने को मिलेगा, तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं टिकर टिप वेबसाइट पे। दोस्तों अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है एंजल वन अपस्टॉक्स की, वहां से आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो टिकर टिप वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। पिछले एक साल के रिटर्न उतने खास देखने को नहीं मिले, सिर्फ 21% की जो है तेजी हमें इसके अंदर देखने को मिली है। और अगर हम बात करेंगे इसके स्कोर कार्ड की, तो परफॉर्मेंस इसका लो देखने को मिल रहा है, वैल्यूएशन इसका हाई है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंट्री पॉइंट की बात करेंगे तो स्टॉक ओवर प्राइसड है लेकिन ओवरबॉट जोन में नहीं है, तो एंट्री पॉइंट एवरेज बता रहा है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी हम कोई भी स्टॉक में एंट्री का प्लान करते हैं तो एक बार ज़रूर नो रेड फ्लैग चेक कर ही उसमें एंट्री का प्लान करना है। तो यहाँ पे स्टॉक में भी नो रेड फ्लैग दिखाई दे रहा है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। जैसे कि मैंने आपको सभी को बताया, FMCG कंपनी है, स्मॉल कैप देखने को मिलती है, जिसका मार्केट कैप 26,446 CR का देखने को मिल जाता है। मॉडरेट रिस्क स्टॉक में हमें देखने को मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं फोरकास्ट एंड रेटिंग की, एनालिस्ट हमें क्या सलाह देते हैं बाइंग की। टू एनालिस्ट यहाँ पे 50% बाइंग की सलाह दे रहे हैं, यानी कि एक एनालिस्ट बाय करने को कह रहे हैं और एक नहीं, तो इसको हम न्यूट्रली पकड़ेंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी उम्मीद करता हूँ। दोस्तों ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं वॉच किए तो उन वीडियोज़ को भी ज़रूर वॉच करिए। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।